नमस्कार, क्या फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीरा के सूचना आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या करंट अकाउंट खोलने के लिए अनिवार्य है। जब आप बैंक में जाते हैं तो आपसे रिक्वायर्ड किया जाता है, आपसे मांगा जाता है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आइए आज डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या वाकई जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करंट अकाउंट खोलने के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, इज जीएसटी इज मैंडेटरी फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, क्या चालू खाता खोलने के लिए जीएसटी अनिवार्य है, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा जब भी आप बैंक में जाते हो अकाउंट ओपन करने के लिए, तो बैंक के द्वारा बहुत सारा आपको चेकलिस्ट दे दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, राइट। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों तो मैंडेटरी है ही है। आपको थोड़ा सा अचंभा तब लगेगा जब आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट मांगा जाए। अगर आप जीएसटी के दायरे में है, यानी कि आपका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख के ऊपर है, तब तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप जीएसटी कराओ, आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उसका सर्टिफिकेट लो, अकाउंट ओपन करो। लेकिन समस्या उन लोगों के लिए है जो लोग छोटे व्यवसाय में, जिनका साल में 10 लाख 5 लाख 20 लाख के नीचे ही या 30 लाख के अंदर टर्नओवर है, यानी कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है उसके अंदर हैं आप, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपसे मांगा जाता है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया तो जीएसटी का कंप्लायंस, जैसे कि जीएसटी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा हर महीने, हर 3 महीने पे, ठीक है। दूसरा, आपको टैक्स जो बनेगा वो टैक्स भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। भले ही वो टैक्स आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करें, लेकिन एक आपको एक्स्ट्रा बर्डन, यानी कि एक काम तो जरूर बढ़ेगा, राइट। यानी कि टैक्स का बोझ आपके ऊपर पड़ने वाला है, कंप्लायंस का बोझ आपके ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए आज का टॉपिक था कि क्या जीएसटी करेंट अकाउंट को ओपन करने के लिए अनिवार्य है। तो इसका सबसे बड़ा जवाब है नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। आपको बैंक फोर्स नहीं कर सकती जीएसटी सर्टिफिकेट लेने के लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके ट्रेड नेम यानी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के नाम से वो अकाउंट करेंट अकाउंट खोलने के लिए मना कर दे, आपके इंडिविजुअल नेम से वो कहे कि वो खुल सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से ही आपका अकाउंट ओपन होगा। कुछ और डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो आपको वास्तव में एक चालू खाता के लिए जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, और केवल चालू खाता खोलने के लिए जीएसटी प्राप्त करना कहीं से उचित नहीं है। अगर आप अन्य सरकारी पंजीकरण जमा करवा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल MSME, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का सर्टिफिकेट, जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी अगर करा सकते हैं तो भी आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। दूसरा, ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जिस भी आप नगर पालिका क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, आपको उस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर एक बिजनेस करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मली ट्रेड लाइसेंस या व्यापार लाइसेंस के नाम से जानते हैं, वो आप करा के भी अकाउंट खोल सकते हैं, राइट। तो एक छोटा सा प्रयास आपको अपडेट करने का, क्योंकि अगर आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं, अगर आपको इन सारी बातों की जानकारी है तो शायद आपका काम आसान हो सकता है। फिर भी प्रैक्टिकल समस्या हो सकती है, बहुत सारे बैंक आपको मना कर सकते हैं कि बिना जीएसटी के हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। अगर आप जीएसटी के दायरे में है तो जरूर जीएसटी लेकर अकाउंट ओपन कराइए। अगर आप दायरे में नहीं है तो एक बार डिस्कशन जरूर करिए ब्रांच मैनेजर से कि सर देखिए, मेरा जो जीएसटी का टर्नओवर है वो बहुत कम है, मेरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लायक मेरी बिजनेस की टर्नओवर नहीं है, तो काइंडली आप ऐसा करें कि मेरे इंडिविजुअल नाम से ही करंट अकाउंट ओपन कर दें। तो थोड़ा सा अपडेट, थोड़ा सा प्रयास, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा अपडेट वीडियो आए सबसे पहले आप प्राप्त करें।
मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट, तब तक के लिए।